बीते दो दिनों से मानसून के कमजोर बने रहने के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार फिर से अधिकतम जिलों में शुरू हुई बारिश के दौर के चलते तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों में मानसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा अंतारा में 144.5 mm बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं दिन और रात के तापमान में भी गिरावट होने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगर माने तो अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में मानसून की झमाझम का बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, बीकानेर, जोधपुर, चूरू और हनुमानगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर भारी और अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। प्रदेश में बीते दो दिनों से मानसून थोड़ा कमजोर बना हुआ था, लेकिन एक बार फिर से मानसून की बारिश लोगों पर जमकर बरस रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों में मानसून की झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान अंतारा में सबसे ज्यादा 142 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में 20 mm से 70 mm तक बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बारिश होने के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। दिन और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जयपुर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित करीब 1.5 दर्जन जिलों में एक बार फिर से मानसून की झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में जहाँ मानसून सक्रिय रहेगा, तो वहीं कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।